time. Money though, or dollar though? बंद करियो। हॉस्पिटल है और बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल जो कि मलिक रियाज की मदर के नाम पे है। आगे जो है ये अपार्टमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अपार्टमेंट्स हैं, ये घने अंदाज़ा अच्छा टू बेड तो इसकी जो है टू बेड है। ये अपार्टमेंट्स तकरीबन सर बता रहे हैं कि 60 to 65 लाख जो है इसकी जो है प्राइस है, कैटेगरीज है इसमें मतलब। और काफी अच्छे ये भी बने हुए हैं अपार्टमेंट्स। बाहर जो पार्किंग है वो गेस्ट की है और अंदर जो हर अपार्टमेंट की अपनी अपनी पर्सनल। अंडरग्राउंड ना बाहर ही है, बाहर आई। अच्छा अच्छा, तो पार्किंग भी इसकी फ्रंट जो है साथ ही है मतलब बाहर की साइड पे, लेकिन वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम दिखा देते हैं। ये भी आपको दिखाते हैं और साथ साथ छोटे छोटे पार्क्स भी बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पार्किंग है, ये पार्किंग वगैरह भी है, प्ले एरिया भी है, बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे खेलते हुए, और फैमिलीज वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये टावर वगैरह, टावर 3 है, ये बच्चों की जो है बच्चों की साइकिल्स के लिए ये पार्किंग आप देख सकते हैं। यहाँ साइकिल पार्क करते हैं बच्चे अपनी, काफी अच्छे बने हुए हैं। ये टावर 4 है, 3 बेड अपार्टमेंट है, ये सामने आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है। 3 बेड जैसा गणी होगी करो, 3 बेड जो है अराउंड 1 करोड़ होगा। तो भाई ये है बहरिया टाउन। तो आज मैंने जो प्रॉपर देखा, इससे पहले मैंने इतने जो है सही से नहीं देखा था, लेकिन आज जो है प्रॉपर देख रहे हैं और बच्चे वगैरह भी यहाँ खेल रहे हैं। उसके अलावा जो है कार्स वगैरह आपको नजर आ रही हैं पार्किंग में खड़ी हुई। सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा अच्छा है यहाँ का सर बता रहे हैं। तू वही कमर्शियल ला सके जी बाहर के फार्म हाउस में ना जमीन टिप में ठहरा कर लायो। ये अच्छा रायमा फाउंटेन योने ये साइड में। अभी काफी कंस्ट्रक्शन फ्रेंड होनी है स्टिल, मतलब काफी चीजें जो है यहाँ पे अभी और होंगी कंस्ट्रक्ट। ये सर क्या है, कमर्शियल फार्म हाउस। अच्छा, जैसे लोग बाहर जाते हैं एंजॉय करने घूमने। हाँ, तो यहाँ पे मतलब बच्चों के साथ फैमिली के साथ बुकिंग वगैरह करके जी। अभी तो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, 6-7 कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ काफी कंस्ट्रक्शन तो अभी स्टिल हो रही है, मतलब 2-3 साल बाद तो इस जगह का जो है बिल्कुल लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो यहाँ का जो है नक्शा आप देखेंगे जो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ये फार्म हाउस अपना मलिक रियाज़ है। अच्छा अच्छा,
ये फ्रेंड्स फार्म हाउस देख सकते हैं, ये यहाँ के सीईओ जो है मलिक रियाज साहब, उनका फार्म हाउस है और आगे साइड पे उनका घर भी है। सामने मॉस्क भी आपको नजर आ रही, मस्जिद नजर आ रही। टेन जू अंदर में जा रहे हैं, जो डे नाइट सफारी है। यहाँ जू भी है अंदर और काफी और भी चीजें हैं, कभी आपको घुमाएंगे। लेकिन यहाँ पे है एंट्री जो है फैमिली के साथ है, मतलब आपके साथ फीमेल वगैरह हो या बच्चे वगैरह, पूरी कंप्लीट फैमिली हो। और इसकी एंट्री टिकट सर कितनी आपने बताई? 500 रुपये। 500 जो है इसकी एंट्री है। आगे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसके बाहर की साइड से, ये देख सकते हैं एनिमल्स वगैरह बने हुए हैं अंदर। जेनिन है, फोटो भी है। हाँ, अंदर रियल है। महेश भाई संभल के बैठना, शेर भी अंदर। बबली शेर है, बबली शेर। महेश भाई को कह रहा हूँ मैं ध्यान से बैठना, अंदर शेर है। कह रहा मैं भी बबली शेर हूँ, उनका निकनेम है ना बबली शेर। तो आज से भाई महेश भाई नहीं बुलाऊंगा, इसको मैं बबली शेर बुलाऊंगा, ठीक है? बबली शेर, तो बस आज से बबली शेर। जो प्यार करता है वो बबली शेर, और जो ज्यादा प्यार करता है वो बबली जानू। बबली जान। ये है मिडवे कमर्शियल, ये से जो कमर्शियल है। ये है भाई मिडवे कमर्शियल और ये पूरा एरिया कमर्शियल एरिया है। और यहाँ पर है बहरिया के हेड ऑफिस, बहरिया के हेड ऑफिस भी यहाँ पे, जहाँ पर बहरिया के सारे काम होते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह भी आज से यहाँ ओपन हो रहे हैं, कुछ होंगे। वाइज तो तकरीबन मेन गेट से आगे तक चले जाए तो 35-40 किलोमीटर तो सीधा सीधा रोड बना हुआ है। अच्छा अच्छा। और अंदर की इनकी जो अपनी एराजी है वो तकरीबन 32,000 एकड़ है। अच्छा, 32 एकड़। 32,000। और ये हेड ऑफिस है सामने, ऊपर आप देख सकते हैं बहरिया टाउन का हेड ऑफिस है। सिनी गोल्ड प्लेक्स, यहाँ सिनेमा भी है लेकिन वो आजकल जो है बंद है क्योंकि मूवीज वगैरह तो है नहीं। बाकी ये कमर्शियल एरिया है यहाँ का, मिडवे एवेन्यू। तो कुछ लोगों को ये जो है व्लॉग थोड़ा सा लेंथी लगेगा, थोड़ी इसकी लेंथ ज्यादा लगेगी, लेकिन ये कि आपको मैं डिटेल में दिखाना चाह रहा था कि यार बहरिया टाउन आखिर किस चीज का नाम है, किस बला का नाम है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है भाई ये, आप लोग के साथ साथ हम भी डिटेल में। महेश भाई क्या कहते हैं, डिटेल में भाई हमें पता, हम भी पता चल रहा है। आप देख सकते हैं भाई ये सिनी गोल्ड प्लेक्स की पार्किंग है और ये साथ सिनेमा है सिनी गोल्ड प्लेक्स, राय हब सिनी गोल्ड प्लेक्स। लेकिन ये जो है क्लोज है क्योंकि मूवीज वगैरह है नहीं इस वक्त। और ये इसमें भी डिफरेंट क्लासेस है, गोल्ड क्लास और जो है सिल्वर क्लास और दूसरे जो है। तो मैंने विजिट किया हुआ ये एक दफ़ा, मूवी मैंने यहाँ देखी है, काफ़ी ज़बरदस्त जो सिनेमा है ये। और ये बहरिया टाउन का फ्रेंड्स हेड ऑफिस है, ये आप देख सकते हैं ये हेड ऑफिस है। ये ब्रिज देख सकते हैं, एक यहाँ पे इनसाइड एक ब्रिज भी बनाया गया है और छोटा सा एक ब्रिज है। और ये क्या चीज है सर, बरसात का पानी, पानी का जो मैंने बताया था आपको। अच्छा अच्छा, बरसात का पानी वगैरह जो है यहाँ से उसको जो है वे दिया गया है यहाँ से होते हुए। हाँ, एक मिनट आपको उतर के मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, बारिश का जो है पानी है वो यहाँ पे, मतलब जो है उसके लिए जगह है ये कह सकते हैं आप। बोट वगैरह, बोट वगैरह, हाँ हाँ हाँ, झील टाइप पे।
काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। सामने देख सकते हैं सूरज, और सूरज के साथ इधर जो है चंदा मामा, ये नहीं, ये तो महेश भाई है। सामने आप देख सकते हैं कि चांद भी नज़र आ रहा है, तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त दोनों चीज़ें एक साथ नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल सामने ये देख लें, चांद है और ये सूरज है, और इसी ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ यहीं से। गाड़ी कौन सी है ये तो बताएं। ये फील्डर गाड़ी है और 7 का मॉडल है, 2007 का, और 12 की रजिस्ट्रेशन है, और ये गाड़ी मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। अच्छा, क्योंकि इसमें मेरी माँ घूमती थी और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है। सही सही बिल्कुल, और आपकी मदद। बेहतरीन गाड़ी है, बड़ा मैं इंजॉय करता हूँ। जापानी गाड़ी है। गाड़ियाँ तो वैसे दूसरी भी हैं, मगर इसमें मैं बड़ी एंजॉय करता हूँ। बड़ी एंजॉय करते हैं, सही सही। और ये है कौन सी कंपनी, कौन सी है? फील्डर तो है, अच्छा टोयोटा की है, टोयोटा की फील्डर गाड़ी है भाई ये, और काफ़ी ज़बरदस्त कैपेसिटी के हिसाब से भी काफ़ी मतलब बड़ी है, देख सकते हैं। मैंने कहा चलो आप सोच रहे होंगे यार किस गाड़ी में घूम रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा आपको गाड़ी भी दिखा दें। तो ये है गाड़ी, ये लगन तो कीअंदो साईं मथे की वेंदो है। लिटिल हिल एक ऊपर जो है जगह बनाई गई है हिल टाइप का, और यहाँ पे जो है फ्लैग लगता है इसमें, ये आप देख सकते हैं वो ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगाया जाता है 14 अगस्त को। आप व्यू चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, कैसा ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अभी तो बहुत कंस्ट्रक्शन होनी है, ये बैक साइड है थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं। सामने भी आप देख सकते हैं क्या व्यू है, सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट। सामने आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी, थीम पार्क है, और इस तरफ जो बिल्डिंग्स, महेश भाई सामने का प्लॉट आपका है, हैं? आपका है? हमारा है। सर आप तो कह रहे थे यहाँ पे जो है पागल खाना बनेगा कोई, ये बोले हैं ना साईं, कह रहे हैं कि ये मेरा है, छोड़ने जा रहे हैं। हमारा था यार, देखो गलत बात, देखो दिल पे लेने वाली बात। हाँ, ऐसे इतना सीरियस मुंह नहीं बनाओ, लोग फिर कमेंट करेंगे रिस्पेक्ट महेश भाई, इज्जत करते हैं सब मेरा मान, करता हूँ नो डाउट। पीठ पीछे दूसरी बात है, अलग बात है, सामने तो बोल इज्जत। फ्रेंड्स मॉस्क आप देख सकते हैं, ग्रैंड जामा मॉस्क, और ये आई थिंक जो है थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है वर्ल्ड में मेरे ख्याल में, अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही है, और काफ़ी खूबसूरत भी है इसका जो डिज़ाइन वगैरह, और काफ़ी बड़ी है। 3 से 4 महीने थोड़ा बादशाही मॉस्क जैसा भी इसका जो है लुक थोड़ा सा वैसा लग रहा है जो लाहौर में है। फायर स्टेशन है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं बहरिया टाउन फायर स्टेशन BTK। क्लॉक टावर आप देख सकते हैं, और ये एज इट इज जो है एक दुबई में है क्लॉक टावर, उसी को जो है मेरे ख्याल में कॉपी बनाई गई है, उसी को देखते हुए इसको बनाया गया है दुबई में जो है। ये आप देख सकते हैं फाउंटेन भी है इसके साथ जो।
अच्छा फ्रेंड्स, इस वक्त हमें उस्मानिया रेस्टोरेंट में और बैरिया टाउन के बराबर में ही है। जैसे कि हमारा फर्स्ट व्लॉग था बैरिया टाउन का, उसमें आपने देखा था हमने चाय वाय पी थी। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, अंडरटेकर आ गया क्या? मैं ठंड लग रही है, ठंड बिल्कुल है और इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था यहाँ रेस्टोरेंट पे, इसी पे हमने जो चाय पी थी उस्मानिया रेस्टोरेंट। अभी हम जो थोड़ा सा दाल वगैरह टेस्ट करेंगे, ऐसा ही है ना सर? जी बिल्कुल। और उसके अलावा चाय पियेंगे और ये बैरिया टाउन के बराबर में, इसीलिए दोबारा हम यहीं पे आ गए। और आप बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स टू सर, सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। गंगाराम सर, काफ़ी मज़ा आया हमें और आपने टाइम दिया अपना कीमती। बिल्कुल टाइम दिया, और सबसे बड़ी बात है कि कोई फुल डे और संडे का दिन इन्होंने अपने बच्चों को छोड़ के हमें दिया। जी जी, तो इनकी बहुत तो बिल्कुल। आप लोग भी कमेंट करके जो है इनके लिए भी जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को इनकी पर्सनैलिटी या इनके साथ हमने टाइम गुजारा तो आपको कैसा लगा। और बहुत जल्द आपको एक और व्लॉग देखने को मिलेगा जो हमने इनके साथ स्पेशली बनाया है, कि विलाज वगैरह जो है इनकी कंपनी किस तरह से जो है वहाँ रेडी कर रही है, किस तरह कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही है, पूरा आपको इनसाइड जो है दिखाएंगे, भी कंस्ट्रक्शन भी उसकी दिखाएंगे। और उसके अलावा प्राइस वगैरह और दूसरी चीज़ें क्या क्या फैसिलिटीज़ भी हैं वो भी सारी उसमें आपको हम बताएंगे। तो उसके लिए वेट कीजिएगा, ट्रैवलिंग व्लॉग साथ साथ हमारे जो है आते रहेंगे। बहुत जल्द और भी हम जगहों पे विज़िट करते रहेंगे। मिट्टी भी हमारा इरादा है और दूसरी जगहें भी, थानों बूला खान जो है, थानों बूला खान मॉल शरीफ हो गया। हाँ, और उसके अलावा जो है हम प्लान कर रहे हैं कि और भी मतलब बड़े टूर भी लगाएंगे, लाहौर वगैरह उधर भी जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, उसके अलावा जो है हम आपको सेवन भी दिखाएंगे, जो है दरगाह है कलंदर, लाल शहबाज कलंदर की। वो पहले भी मैं एक ब्लॉग बनाया था, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा अलग से, और कोशिश करेंगे एक ऐसे दिन जाएँ कि धमाल वगैरह का मौका मिल जाए। वो तो जुमेरात के दिन ही जाएगा, तो धमाल करो अपना मजा है। हाँ, तो धमाल वगैरह भी आपको दिखाएंगे और हम खुद भी जो है थोड़ी सी धमाल करेंगे। बिल्कुल ये आप पीछे देख रहे थे, ये बोतलें हिला रहे थे बंदे, तो महेश भाई आप बताओ क्या कर रहे थे भाई?
मालिश मालिशी तो भाई ये मालिशी थे चंपी चंपी सर मसाज कर रहे थे फुल बॉडी मसाज वसाज चंपी देसी दिल तो इनका बहुत कर रहा था पर मेरा मैंने कभी नहीं किया तो करने दो ना दिल तो बहुत कर मैंने कहा छोड़ दो हम दूसरा वो कराएंगे मसाज छोड़ दो वहाँ चल जमाना क्या कहेगा। तो भाई ये मालिश वाले होते हैं ये स्ट्रीट पे तेल की शीशी लेके घूमते हैं फिर लोग जो है इनसे जेंट्स स्पेशली जाहिर है लेडीज तो अपनी लेकिन कुछ तो खाना आ गया भाई तो बस ये कि हम खाना वाना खाते हैं तो बस आपको एक झलक खाने की दिखा देता हूँ मैं। ये तो वाह असांजी दाल असांजी दाल ना माना चणन की दाल सलाद ही मानी आ जैसे महेश भाई चे तो सिंधी मानी आ मतलब के तंदूर की भी दो किस्म की होती है कि ये रायता है। तो बस अब हम जो है अपने व्लॉग को करते हैं हम खाना वाना खा के घर निकलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा ठीक है ना। हम लोग खाना वाना खाते हैं उसके बाद हम घर निकलेंगे और इसी तरह वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है ना। बाय 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 तो कर दो ये किचन ये देख सकते हैं फ्रेंड्स किचन है और काफ़ी बड़ा एरिया है किचन का भी टेरेस है गैलरी कह सकते हैं देख सकते हैं विलास ये भी ना सब हाँ, ये भी सर की जो कंपनी है SSD डेवलपर्स उन्होंने ही बनाए हैं ये चार जो विलास आपने देखे।